भारत माता की। वंदे। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पीपीएम। पीपीएम क्या होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंडस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं पीपीएम क्या होता है। पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पर पीपीएम को शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। द प्रोसेस परफॉर्मेंस मैटर यूज्ड इन सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा में जो हमारे प्रोसेस को, प्रोसेस की परफॉर्मेंस का जो मेज़र करने जो मैट्रिक्स हैं उसके कुछ टर्म्स जो हैं वो ये सब हैं। इस टर्म्स के बारे में हम, इन सब के बारे में तो आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है सिर्फ पीपीएम, हम पीपीएम के बारे में बताएंगे। तो पर फिर भी इनके बारे में आपको उनके नाम तो पता होना चाहिए। ये जब आप सिक्स सिग्मा करेंगे उस टाइम पे ये टर्म्स यूज़ होंगे, या फिर किसी कस्टमर ने स्पेशली रिक्वायर करा तो उसी टाइम पे यूज़ होंगे, नहीं तो आपको ये सारे टर्म्स यूज़ में नहीं आएंगी। तो जैसे कि पहले टर्म है डिफेक्ट्स, सेकंड है डिफेक्ट्स पर यूनिट डीपीयू। डीपीयू जनरली नहीं निकालते, सिक्स सिग्मा के स्टेज में ही निकालते हैं। डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी डीपीएमओ उसको कहते हैं, ये भी हमारे मतलब सब सिक्स सिग्मा का ही है, उस टाइम भी हम इसको निकालते हैं। तो इनके बारे में अभी सीख के आपको कोई फ़ायदा भी नहीं है। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर जब सिक्स सिग्मा का टॉपिक चलेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, यील्ड फर्स्ट टाइम यील्ड, रोल थ्रू आउट यील्ड, सिग्मा लेवल, ये कुछ हमारे प्रोसेस को मेज़र करने की मैट्रिक्स होती है। और अभी जो है हम सिर्फ आपको पीपीएम के बारे में ही बताएंगे। पार्ट्स पर मिलियन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पीपीएम, पीपीएम क्या होता है। द नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट इन 1 मिलियन यूनिट, मतलब कि 1 मिलियन 10 लाख, 10 लाख पीस के अंदर कितने पीस हमारे रिजेक्ट हैं उसको ही हम पीपीएम कहते हैं। सिंपल भाषा में 10 लाख पीस है, उसके अंदर कितने पीस हमारे रिजेक्ट हैं, रिजेक्टेड पीस मतलब कितने पीस हमारे स्क्रैप हो रहे हैं, उसको हम पीपीएम कहते हैं। डिफेक्ट और डिफेक्टिव में फ़र्क होता है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि डिफेक्टिव का मतलब है रिजेक्ट, जो स्क्रैप हो चुका है, जिसको हमें स्क्रैप करना है। वो उस तरीके के पार्ट हमारे 10 लाख पीस में कितने हैं उनको हम पीपीएम कहते हैं। पीपीएम की फुल फॉर्म होती है हमारी पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम की फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन, इसको ध्यान रखें। वाई पीपीएम टर्म इज यूज, तो हम पीपीएम टर्म का यूज़ क्यों करते हैं। हमारे को रिजेक्शन तो निकालने हैं, रिजेक्शन तो हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि 100 पीस में से हमारे 10 पीस रिजेक्ट हुए, तो इस टाइप से भी तो हम रिजेक्शन निकाल सकते हैं। तो हम पीपीएम टर्म का ही यूज़ क्यों करते हैं। टू मैग्नीफाई द डिफेक्ट क्वांटिटी, इट आल्सो मैग्नीफाई सेवरिटी, मतलब कि अगर हम 100 पीस में हमारे 10 पीस या 100 पीस में हमारे 1 पीस रिजेक्ट हो रहा है तो इससे हमारा जो मैग्नीफाई नहीं हुआ, हमें इतना ब्रॉड लेवल पर नहीं पता चलेगा इतनी ज़्यादा रिएक्शन है। पर वहीं पर अगर हम 10 लाख पीस के ऊपर अगर हम दिखाएं तो इससे हमारे को पता चल जाता है कि हाँ ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो मैग्नीफाई करने के लिए प्रॉब्लम को, और सेवरिटी को दिखाने के लिए, सेवरिटी भी बढ़ा के दिखाने के लिए कि हाँ इतनी रिएक्शन चल रही है, ताकि हम इसको बढ़ा के इसलिए दिखाते हैं ताकि हमारा फोकस इसके ऊपर जाए और हम इसको रिएक्शन को कम करने के लिए ध्यान दें, इसलिए हम पीपीएम का यूज़ करते हैं। इसके अलावा पीपीएम के अलावा हमारे पीपीएम में कुछ और टर्म भी यूज़ होती है, जैसे पीपीएच पार्ट्स पर 100। इसका जो है जैसे कि 100 पीस में हमारे कितने पीस रिएक्ट हुए, ये हमारा परसेंटेज भी हो सकता है। पीपीएम आपको पता ही है, पार्ट्स पर बिलियन, 10 लाख पीस पे हमारे कितने पीस रिजेक्ट बन रहे हैं। पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, पीपीटी पार्ट्स पर ट्रिलियन, ये कुछ टर्म्स हैं। तो मेनली हमारी जो कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में पीपीएम ही यूज़ होता है, तो हम पीपीएम को ही लेके चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि डिफेक्ट्स और डिफेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस इन डिफेक्ट एंड डिफेक्टिव। तो मान के चलते हैं एक एग्जांपल, हमारे पास 100 पीस का एक लोट है जिसके अंदर हमारे 50 पीस तो डिफेक्टिव है और 70 हमारे डिफेक्ट प्रेजेंट है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 50 पीस तो हमारे उसमें डिफेक्टिव हैं और 70 उसके अंदर हमारे जो है डिफेक्ट प्रेजेंट हैं। रीज़न वाई, क्यों 50 पीस डिफेक्टिव एंड 70 डिफेक्ट प्रेजेंट, 50 पीस हमारे डिफेक्टिव और 70 डिफेक्ट हैं, ये कैसे पॉसिबल है। आंसर, इन सिंगल पीस 2 और 3 और मोर देन डिफेक्ट्स कैन बी प्रेजेंट, सो आवर सिंगल पीस इज डिफेक्टिव विच कैन बी स्क्रैप। मतलब कि मान के चले कि एक हमारा सिंगल पीस है, एक ही पीस है, उसके अंदर 2 या 3 डिफेक्ट प्रेजेंट है। मतलब मान के चले एक हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट के अंदर हमारा डेंट भी है और बीच में क्रैक भी है, इसके अलावा हमारा चैम्फर ओवरसाइज हो गया या डायमेंशन जो है, जो लेंथ है वो अंडरसाइज हो गई, मतलब इस टाइप के 3 या 4 डिफेक्ट हमारे एक ही शाफ्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो जो डिफेक्ट हैं वो तो हमारे 4 हो गए,
और जो डिफेक्टिव है उस शाफ्ट रिजेक्टेड, तो हमारी एक ही शाफ्ट हुई ना, एक शाफ्ट के अंदर हमारे चार अलग अलग तरीके के डिफेक्ट हैं, लेंथ ओवर साइज हो गया या लेंथ अंडर साइज हो गया, चैम्फर ओवर साइज हो गया, डेंट हो गया, क्रैक हो गया या कोई भी अदर कोई भी प्रॉब्लम हो गई, ये सारे सारे हमारे डिफेक्ट्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया डिफेक्ट्स क्या होते हैं और डिफेक्टिव क्या होते हैं। तो इसलिए हमारे जो है 50 पीस जो है 100 पीसों के अंदर हमारे जो 50 पीस तो डिफेक्टिव हैं। अब 50 में से कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे 8-10 या जितने भी पार्ट्स कुछ होंगे उसके अंदर एक से ज़्यादा डिफेक्ट प्रेजेंट होंगे, मतलब किसी एक पार्ट के अंदर दो डंट या क्रैक, दो दो डिफेक्ट, इस टाइप के हमारे दो दो डिफेक्ट प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से डिफेक्ट और डिफेक्टिव का डिफरेंस होता है। तो जो हमारे PPM होता है वो डिफेक्टिव को लेता है, मतलब 100 पीस में कितने पीस हमने स्क्रैप कर दिया। डिफेक्टिव का मतलब स्क्रैप कर देना, रिजेक्ट कर देना, ये होता है। डिफेक्ट्स का मतलब कितने डिफेक्ट्स हैं, कितने तरीके के डिफेक्ट्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, ये डिफरेंस होता है डिफेक्ट और डिफेक्टिव में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, व्हाट इज़ PPM? PPM स्टैंड फॉर पार्ट्स पर मिलियन, आपको मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ। 1 PPM मीन्स 1 PPM का मतलब क्या होता है, एक का मतलब 1/10,00,000, ये हमारा 1 PPM होता है। PPM इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एन एस्टेब्लिश्ड KPI टू मेजर क्वांटिटी परफॉर्मेंस। KPI को चेक करने के लिए हम PPM का यूज़ करते हैं कि हमारे प्लांट में क्या परफॉर्मेंस चल रही है, हमारे रिएक्शन की क्या परफॉर्मेंस चल रही है। KPI प्रोसेस, KPI की फुल फॉर्म है की प्रोसेस इंडिकेटर, इसको इसमें इसका यूज़ करता है। तो अगर nowadays 1000 PPM इज़ एक्सपेक्टेड गुड, 1000 PPM को अच्छा माना जाता है आजकल के दौर में, पर जो इंडस्ट्री है उसको 100 PPM तक लेके आना चाहती है विथ लेस एक्सपेंसेस, कम एक्सपेंसेस के साथ। तो चलिए हाउ टू कैलकुलेट PPM, PPM को कैसे कैलकुलेट करा जाता है। लेट्स एज्यूम, मान के चलते हैं कि जो हमारे प्रोडक्शन है, जो टोटल प्रोडक्शन है वो है हमारी 25,00,000 पीस की, हमारी टोटल प्रोडक्शन है, उसके अंदर जो हमारी रिएक्शन हुई वो हमारे 12,500 पीस रिजेक्ट बने। तो अब हमारे को रिजेक्शन भी पता है और प्रोडक्शन भी पता है, तो PPM का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल रिजेक्शन अपॉन टोटल प्रोडक्शन इनटू 10,00,000। तो हमारी रिजेक्शन है 12,500 पीस बटा 25,00,000 गुणा 10,00,000, तो इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आएगा वो 5,000 आएगा। तो ये हमारा जो रिजल्ट है वो है हमारा 5,000 PPM। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखें, टोटल रिजेक्शन अपॉन टोटल प्रोडक्शन इनटू 10,00,000, इससे ही हमारा PPM निकलता है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला PPM का यही है। तो चलिए नेक्स्ट, ये हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। जब हम PPM निकाल लेते हैं और जो हमारी मंथली MIS रिपोर्ट या मंथली का जो डाटा हम देते हैं KPI में, वो इस टाइप का देते हैं। जैसे कि मान के चलें ये एक कंपनी का KPI है, तो जैसे जनवरी में उनकी जो रिएक्शन है, जनवरी का जो उनका एक्चुअल PPM है वो 16,000 के समथिंग आ रहा है, मतलब उनका टारगेट उन्होंने 4,500 डिसाइड करा हुआ। टारगेट भी हमें मंथली डिसाइड करना होता है PPM के लिए, तो टारगेट जो हमारा डिसाइड होता है वो पिछले ट्रेंड से डिसाइड होता है, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारा कितना PPM आ रहा था, उसके बाद हम उसको टारगेट को डिसाइड करते हैं। जैसे मान के चले कि हमारा 2017-18 के अंदर अगर 5,000 PPM आ रहा था, तो अब हमारा 2018-19 के अंदर क्या प्लान है, 10% रिड्यूस करना है या कितना रिड्यूस करना है, इस टाइप से हम प्लान का डिसाइड करते हैं, टारगेट डिसाइड करते हैं। तो टारगेट इनका 4,500 है और इनका जो है 16,000, 19,000, 11,000, इस टाइप का जो है ये PPM आ रहा है, ये हमारा KPI है। इस टाइप से हम PPM को KPI के अंदर शो करते हैं। तो आई होप आपको PPM के साथ साथ KPI भी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन PPM एंड रिजेक्शन, रिजेक्शन का और PPM का आपस में क्या रिलेशनशिप है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.aqetrainings.com पे विजिट करें। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमारे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मोस्ट प्रेफर है क्योंकि कॉल उठाना कभी मुश्किल होता है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ संडे के संडे क्लासेस होती हैं। थैंक यू।